ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अमावस्या के उपाय बता रहा हूँ। इस बार अमावस्या पर बहुत ही अच्छा योग बन रहा है, कई राशियाँ भी अधिक भाग्यशाली रहने वाली हैं। दोस्तों आज मैं आपको दो तीन ऐसे उपाय बताऊँगा जिससे आपकी पुत्र धन की मनोकामना पूरी होगी। अमावस्या के दिन पितरों की पूजा का बड़ा महत्व है। अमावस्या के दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा भी करनी चाहिए, साथ ही गंगा स्नान का बड़ा महत्व होता है। सुबह सूर्यदेव को अर्घ देने से पहले स्नान करते समय जल में गंगाजल डाल करके स्नान करें, उसके बाद में सूर्यदेव को अर्घ दें ओम सूर्या नमः भास्करा नमः आदित्य नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए। उसके बाद में आप पितरों की पूजा करें, पितरों के सामने बैठ करके ओम पितृदेवताभ्यो तर्पयन्ताम ऐसा कह करके पितरों के लिए जल जरूर दें, और सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डालना ना भूलें, क्योंकि गंगा स्नान का बड़ा महत्व होता है अमावस्या के दिन। पितरों की पूजा के बाद में पितरों के सामने दीपक जलाएं, साथ ही सफ़ेद पुष्प पितरों को समर्पित करें और खीर का प्रसाद समर्पित करें। अगर आपके घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, पितृदोष लगा हुआ है, तो आप पितरों के सामने प्रार्थना जरूर करें कि पितृदेवताओं अगर आप रुष्ट हैं तो प्रसन्न हों, अगर पितृदोष लगाए तो उसे शांत करें। इस प्रकार से पितृदेवताओं के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। उसके बाद में महाकाल भोलेनाथ का अभिषेक करें और खीर का प्रसाद भगवान शिव को समर्पित करें। अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा का बड़ा महत्व होता है। जो व्यक्ति पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके 108 परिक्रमा कर देते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। पितृ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। सभी को इस दिन पितरों की पूजा के साथ साथ पीपल वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए, साथ ही पीपल वृक्ष के नाम का एक ग्रास निकालना चाहिए जो अग्नि का होता है, गाय का होता है, कुत्ते का, कौवे का और पीपल वृक्ष का, ये 5 ग्रास निकाले जाते हैं। 5 ग्रास निकालने से पितृ प्रसन्न होते हैं, इसे पंचबली ग्रास भी कहते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे 108 परिक्रमा करें और उस समय जो भी आप इच्छा बोलोगे वह आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस दिन देवता और पितर सभी पीपल वृक्ष पर निवास करते हैं। उसके बाद में गौशाला जाएं और गौ माता को इस दिन मीठा जरूर खिला के आएँ, गुड़ रोटी खीर का प्रसाद ये गौ माता को जरूर खिला करके आएँ। इस दिन कौए को आपको ग्रास जरूर खिलाना चाहिए, कहते हैं कि अगर कौआ खाता है तो समझो पितृ प्रसन्न हो गए। ये उपाय बेहद ही ज़्यादा चमत्कारी और प्रभावशाली हैं। इन उपाय को करने से मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। अगर अमावस्या के दिन ये उपाय करते हैं तो कभी भी पितृदोष नहीं लगता। साथ ही घर में ब्राह्मणों को भोजन कराएं, पितरों के नाम से दान पुण्य करें, इससे पितृदेवता प्रसन्न हो जाते हैं। पुत्र की मनोकामना, धन की मनोकामना, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, क्योंकि कई बार पितृदोष के कारण ही पुत्र धन की मनोकामना में रुकावट आती, प्रत्येक कार्य होते होते रुक जाते हैं। आपको ये उपाय जरूर करने हैं। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, धनुराशि, मकर राशि, कुंभ राशि, ये राशियाँ हैं जो इस दिन बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रहेंगी। साथ ही मीन राशि का योग मध्यम प्रकार का रहेगा। इन राशि वालों को विशेष आशीर्वाद मिलेगा क्योंकि ग्रहण की स्थिति बहुत ही अच्छी है। साथ ही उपाय सभी राशि वाले करें, सभी राशि वालों की मनोकामना पूरी होगी। इस दिन जो भी उपाय आप करेंगे तो बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा और जीवन में आप हमेशा खुश रहोगे। तो आप पितरों को कभी ना भूलें। अमावस्या के दिन पितरों की पूजा आपको जरूर करनी है। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।